ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि ये गली की बात है, और देखते देखते ही जीविका की विदाई का वक्त भी आ गया। मुझे सबको अलविदा कहना है। जो भी वीरेन जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। मैं मानवी को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे मन्नू से विदा लेना है। दी, तुमने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा, यहाँ बैठी। मानवी से दूर जाना कैसे हो पाएगा? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। कि मेरी बेटी को इतना अच्छा घर बार देना, मिल गया ना बेटा। बड़ी भी, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले लेना, ओके? और रोज आंगन में चलना, ये नहीं कि यहाँ पे बैठे रहो, समझे ना? हाँ मालूम है। मेरे लिए है ना तेरी वो बहन मुझे भगाने के लिए? तू नहीं है तो मुझे कौन बचाएगा बेटा? जीविका जी, हाँ। बीजी के रूम में देखा था थोड़ी देर पहले। आपकी डांट मेरे लिए आशीर्वाद का साया, जिसे मैं कभी हटने नहीं दूंगी। मुझे आज भी याद है, मानवी और मैं पहली बार जब इस घर में आए तो। अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। इस घर में रहने के कुछ तौर तरीके हैं। ये ऋषिकेश है, तुम्हारा दिल्ली नहीं है, समझे? जाओ अंदर जाओ। पता है बीजी, शुरू में मुझे आपसे बहुत डर लगता था। फिर एक दिन मैं सीढ़ियों से गिर गई और मुझे बुखार हो गया। पूरी रात आप मेरे साथ जगते रहे। तब मुझे लगा कि मम्मी पापा आप में समा गए हैं। तब से बीजी आप मेरे लिए सब कुछ। जब मैं शेव करने के लिए बैठता था तब तू और मानवी भागे भागे आया करते थे और मेरे गालों से झाग निकाल करके अपने गालों पे लगाया करते थे। ये क्या कर रहे तू? चाचू देखो मैं बुढ़ा बन गया हूँ। और मैं सैंटा क्लॉज। वो पर मुझे हमेशा याद रहेंगे। हेलो जीजू। जीजू देखो ना, अपनी होने वाली बीबी को बोलो, उन्होंने मुझे अभी से ही पराया कर दिया। सारे घर वालों को पाए बोल रही हूँ, मेरे को मेरी तरफ देख भी नहीं रही है वो। ऐसी बात है, तुम घबराओ मत ना, अभी डांट लगा था कि मेरी साली साहब को कैसे इग्नोर किया। हाँ और बहुत डांटना, हाँ छोड़ना मत। ठीक है, ओके बाय। बहुत लकी हो मम्मा पापा। दीदी ने पूरे घर में सबको बाय बोल दिया। दर्जी को बोल दिया, दूध वाले को बोल दिया, भगत जी को भी बोल दिया। कोई बचा ही नहीं ऋषिकेश में जिसे बाय ना बुलाओ। लेकिन जिसे इनके जाने का सबसे ज्यादा दुख है, जो इनका अपना खून है, उसे तो बाय बोलना जरूरी नहीं समझा। क्या फर्क पड़ता है?